बच्चों की बीमारी जांच कर अभिभावकों को जागरूक करेगा रोटरी। रोटरी गरीबों का इलाज भी कराएगा निःशुल्क। रोटरी इंटरनेशनल के बच्चों की बीमारी की जांच कराकर उनके अभिभावकों को जागरूक करने का संकल्प लिया है। रोटरी ने इस संकल्प को नाम आरोग्य दिया है। आरोग्यम के तहत रोटरी डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र अपने क्षेत्र के सभी भौगोलिक जिलों में अभियान चलाकर 1.25 लाख बच्चों की जांच कराएगा। इसमें दंत रोग, आंख व अन्य जांचें शामिल हैं। पत्रकार वार्ता में रोटरी डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर नीरव निमेश अग्रवाल ने बताया कि रोटरी के जन परोपकारी कार्य में अनेक मेडिकल कॉलेज व अस्पताल संगठन चिकित्सक सहयोग दे रहे हैं। रोटरी गवर्नर अग्रवाल ने कहा कि आमतौर पर पैसे की समस्या नहीं होती है। कई बार अभिभावक संपन्न होते हैं लेकिन उन्हें बच्चों की समस्या की जानकारी ही नहीं होती है। धीरे धीरे समस्या बढ़ती जाती है और गंभीर बीमारी बन जाती है। इसलिए रोटरी ने कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों की स्वास्थ्य जांच कराने की योजना। नमस्कार, मैं रोटेरियन किशोर कटरू, पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट 3110। रोटरी 7 पर्टिकुलर एरियाज में काम करता है, जिसमें से हेल्थ अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और रोटरी की चिंता है कि हिंदुस्तान का यूथ या वर्ल्ड के, हम क्योंकि रोटरी इंटरनेशनल के निर्देशों पर काम करते हैं, हमारी चिंता ये है कि जो मेला न्यूट्रिशन का जो शिकार है हिंदुस्तान का यूथ, हम उसके लिए रोटरी बहुत चिंतित है। और जिसकी वजह से जो अपने रिपरकशंस होते हैं या जो एनामलीज होती हैं, उसके लिए रोटरी बहुत चिंतित है। और जिसके लिए हम लोग बड़े वृहद लेवल पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं इस वर्ष, जिसमें कि बच्चों की जो दृष्टि दोष जो बच्चों में है, या बच्चों में उनके दांतों में प्रॉब्लम है, उनके आईज़ में प्रॉब्लम है, या उनके स्टमक में किसी तरह का कोई रोग पल रहा है, इसके विषय में हम लोग बड़े विस्तृत लेवल पे चिकित्सकों के माध्यम से उनकी जांच कराने जा रहे हैं। और जैसा अभी किसी ने ये बात की थी कि उनके लिए हम लोग स्पेक्स की भी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि रोटरी इंटरनेशनल जो काम करता है विभिन्न क्लबों के माध्यम से काम करता है, और जो वहाँ की अपनी मेंबरशिप है वो आप सभी को मालूम है कि वो अपने पैसे से काम करते हैं। यानी कि हमें कहीं बाहरी मदद की कोई आवश्यकता नहीं होती है, हम लोग अपने ही रिसोर्सेज से रोटरी के लिए काम करते हैं, और जो कि समाज में विस्तृत लेवल पर इस तरह के प्रोग्राम करते हैं हम लोग, और उसमें हम लोगों के अपने ही रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं, हम कहीं बाहर के रिसोर्सेज से नहीं करते इसको। तो लिहाजा जो स्पेक्स की बात की है या चश्मों की बात की है या किसी और तरह के किट की बात है, जो डेंटल किट की बात की है, वो रोटरी अपने ही रिसोर्सेज से देगी। और इसका डाटा, जैसे कि कहा है गवर्नर साहब ने और हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब ने, कि उसका डेटा जो है हम लोग उसको एकत्रित करेंगे और उस पर भी फर्दर हम काम करेंगे कि हम लोग और किस लेवल पे जाके हम लोग काम कर सकते हैं, और किस तरह से इंडियन यूथ को या जो बच्चे हमारे इन्फेंट्स हैं उनको किस तरीके की मदद और हमसे चाहिए है, तो इस पर हम लोग और विचार कर सकते हैं। और जहाँ तक भी हो सकता होगा, रोटरी की अपनी रीच होगी, उसमें हम लोग जाके काम करेंगे। और ये हमारा कमिटमेंट है कि हम इन बच्चों को किसी भी तरह से निरोगी काया इनकी होनी चाहिए, यह हमारा कमिटमेंट है। थैंक यू वेरी मच। ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में चल रहा है। उत्तर प्रदेश के 28 जिले, उत्तराखंड के 8 जिले और मध्य प्रदेश का एक जिला इसमें शामिल है। इन सब जिलों में कार्य कर रहा है। हमारे 147 क्लब हैं रोटरी के, वो सब इस कार्य में लगे हैं। हमारे यहाँ 4000 मेंबर हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, वो सारे रोटेरियन इस कार्य को कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग आरोग्यम के साथ साथ हम लोग ट्री प्लांटेशन का भी काम कर रहे हैं, जो एक उसमें पर्यावरण के अंदर एक विशिष्ट महत्व रखता है। और हम लोग ट्री प्लांटेशन के साथ साथ
आरोग्यम में जो कार्ड दे रहे हैं, हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, उसकी डाटा भी हम लोग उसको सुनिश्चित कर रहे हैं अपने यहाँ। अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी आगे होती है और किसी मेडिकल सहायता की आवश्यकता है तो वो हम रोटरी क्लब से दिलवाएंगे। हम चाहते हैं कि एटलीस्ट विजन और इन परेशानियों को चेक करने के लिए हमारे टीचर्स पे बेसिक नॉलेज हो, उन पे बेसिक एक्सपर्टाइज हो। तो हमने रोटरी के माध्यम से 3000 विजन कार्ड छपवाए। आपने अगर कभी आंखों की जांच कराई हो तो आपको पता होगा कि डॉक्टर्स के पास आप जाते हो, आपकी एक आंख बंद करके एक चार्ट आपको पढ़ने को कहते हैं, लेकिन स्टैंडर्डाइज चार्ट होता है। हमने 3000 चार्ट छपवाए जो हम स्कूलों को भेंट कर रहे हैं रोटरी की तरफ से, और टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं कि इन कार्ड्स का किस तरीके से उपयोग किया जाए ताकि पता लग सके बच्चे की आँख में कोई परेशानी है या नहीं है। जैसे आपके द्वारा जाँच करा जाएगी, उसके अलावा उसका चश्मा वगैरह बनना है या कुछ है तो रोटरी तरफ से बनाया जाएगा। या अगर बच्चे के अभिभावक पता लगने के बावजूद इस समस्या का उपचार नहीं करा पाते, चश्मा नहीं दिला पाते, तो रोटरी द्वारा अवश्य उनकी मदद की जाएगी। इस पूरे अभियान में सबसे बड़ा हाथ है रोटरी क्लब किस तरीके से स्कूल्स में जाके काम कर सके। हमारे दोनों पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये बेहतर बता पाएंगे कि रोटरी क्लब किस तरीके से स्कूलों में जाके इस काम को कर रहे हैं बरेली में, और क्या डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। जी, मेरा नाम रोटेरियन नीरव निमेश अग्रवाल। किस संबंध में प्रेस वार्ता रखी, क्या मूल उद्देश्य? रोटरी मंडल 3110 द्वारा 1,25,000 बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण का यह अभियान आरोग्यम चलाया गया है। इसकी विस्तृत जानकारी आपको देने के लिए ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, क्योंकि हमें लगता है कि आप लोगों के माध्यम से हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं और इस जागरूकता अभियान को, जिसके तहत हम 1,25,000 बच्चों की मेडिकल चेकअप कर रहे हैं, ज़्यादा कारगर बना सकते हैं। किस तरह से चेकअप किया, किस तरह से बच्चों से संपर्क साधा जाएगा? ये सारे चेकअप हम स्कूल्स में कर रहे हैं, सात बिंदु बताएं। और इन स्कूल्स में हम 6 बिंदुओं पे बच्चों का चेकअप कर रहे हैं। बच्चों की हाइट, बच्चों का वेट, बच्चा एनेमिक तो नहीं है, बच्चे ने कीड़े मारने की दवाई खाई है या नहीं खाई, बच्चे की आँखों की क्या स्थिति है और बच्चे की दाँतों की हेल्थ कैसी है। इन 6 पैरामीटर्स पर हम बच्चे की हेल्थ को चेक कर रहे हैं। जो हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा उससे क्या क्या बेनिफिट? देखिए, हेल्थ कार्ड्स का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि अभिभावकों को और बच्चों को ये पता चलेगा कि समस्या है क्या। हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमें पता है दुनिया कैसे काम करती है, बच्चों को नहीं पता। वो बताने की स्थिति में भी नहीं होते कि उन्हें कोई परेशानी है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता उन्हें कोई परेशानी है। अगर मेरी आँखों में बचपन से ही धुंधला दिखता है तो उसे लगता है यही दुनिया है। तो हमारी सोच है कि हम बच्चे को भी बता पाएँ ये दिक्कत है और उसके अभिभावकों को भी। एक बार जब उनकी जानकारी में आएगा तो मेरा मानना ये काफ़ी हद तक अभिभावकगण उन बच्चों का इलाज अपने रिसोर्सेज से करा देंगे। अगर वो ऐसा नहीं करा पाते तो हम लोग भी उस डेटा को कैप्चर कर रहे हैं, हम रोटरी की तरफ से उनको मदद मुहैया कराएंगे।